ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है कुमार विश्वास जी का। आप राष्ट्रवादी रहे हैं, देशभक्त रहे हैं, आपकी कविताओं में झलकता है राष्ट्रवाद। और आज की केजरीवाल की राजनीति देख ली जाए तो केजरीवाल जी कहीं ना कहीं उससे समझौता करते दिखते हैं। उसमें एक चीज़ था, पहले मैंने बात की थी प्रशांत भूषण जी की, तो अब उनके पिताजी आ गए हैं शांति भूषण जी, किरण बेदी जी की तारीफ कर देते हैं, अहम मुद्दों पे कहते हैं क्यों नहीं चर्चा करते हैं केजरीवाल जी, तो क्या लग रहा है, खिसक रहे हैं क्या ये लोग? देखिए, पहली बात तो हमारी पार्टी के संविधान को मैं चाहता हूँ दर्शक भी पढ़ें, नेट पर उपलब्ध है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी परिवार का एक ही व्यक्ति पार्टी के प्राथमिक बड़े पदों पर रहेगा। तो शांति भूषण जी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो पार्टी के सिंपथाइज़र हैं, पार्टी के सद्भाव रखने वाले व्यक्ति हैं। और ऐसे हर व्यक्ति की, जो हम तो सामान्य आदमी की बात भी मानते हैं, वो तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके राष्ट्रवाद में कोई कमी नहीं है। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपातकाल में इंदिरा जी के अहंकार के खिलाफ कोर्ट में खड़े हुए, जो देश के कानून मंत्री बन रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे और बाद में भाजपा इन्होंने छोड़ी, तो उनके राष्ट्रवाद में कोई कमी नहीं है। अगर उन्हें अरविंद से बेहतर अजय माकन लगते हैं तो ये उनकी व्यक्तिगत पसंद है। जैसे ही उन्होंने बयान दिया, 15 मिनट बाद प्रशांत भूषण जी ने आप बाहर आकर बयान दिया कि ये मेरे पिता का निजी बयान है, मेरी इसमें कोई सहमत नहीं है, अरविंद हमारे निर्विवाद मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। और देखिए, बार बार जब आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप, अरविंद केजरीवाल के प्रति वो, मैं एक दूसरी बात मजाक में अरविंद से कहता हूँ, हर रोज़ मजाक में करता हूँ, जब भी कोई बात करता है मैंने कहा सभ्यता से बात करा करो, तुम क्षेत्रीय नेता हो, एक छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हो, हम लोग राष्ट्रीय नेता हैं पार्टी के, हम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो दिल्ली में एक सुशासन का मॉडल हो, और इसी से भाजपा डरी हुई है। भाजपा को लगता है कि अगर इसने करके दिखा दिया, पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य जो 49 दिनों में हुआ था, तो फिर आपको भी भ्रष्टाचार मुक्त अपनी सरकारें करनी पड़ेंगी, और ये आएगा, ये रुकेगा नहीं, ये करना ही पड़ेगा। ये सहजता बहुत अच्छी बात है, मैं यही कह रहा हूँ कि ये सहजता कहीं गले की हड्डी ना बन जाए। इतनी सहजता होते होते होता है कि अगर अच्छी पार्टी अच्छा नेता है तो दिल्ली तक न सिमट जाए, सिमट के रह जाए। यही बात मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल अपनी भूमिका बढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं, क्या उनको सत्ता का लोभ है? वो दिल्ली तक, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा? केजरीवाल ही बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि वो फिर आगे कुछ कर पाएंगे दिल्ली में? कहेंगे कि केंद्र की राजनीति ने, केंद्र की सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही, जैसे पिछली बार भी हुआ। देखिए, नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, और जब इस बार चयन हुआ तो इस बात में बड़ी भूमिका थी पूरे देश में कि उनको शासन आता है। बार बार वो ये कहते थे मैंने चला के दिखाया, मैंने डिलीवर करके दिखाया। हालांकि वो गुजरात का विकास जो है वो मिस्टर इंडिया की तरह था, उसकी चर्चा बहुत थी, दिखाई नहीं देता था, पत्रकार पहुंचते नहीं थे, हम जाते थे तो मैं गुजरात का विकास ऐसा था कि हम ही करेंगे और हम ही देखेंगे, तुम मत आ जाना देखने, हम तो